नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की पुण्यतिथि है। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा का पूरा नाम था कोंडेंडेरा मडप्पा करियप्पा। एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र किए बिना भारतीय सेना का इतिहास अधूरा है। करियप्पा ने सेकंड लेफ्टिनेंट के पद से सेना में अपना सफर शुरू किया। 1947 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किया था। 15 जनवरी 1949 को उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। इसी याद में 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1953 में करियप्पा सेना से रिटायर हो गए थे। 94 साल की उम्र में वो 15 मई 1993 को दुनिया छोड़ गए। आजादी के साथ ही भारत को पाकिस्तानी हमले का सामना करना पड़ा। इस हमले में जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती पाकिस्तानी हमले में जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था? आज जो हिस्सा भारत के पास है, उसमें से पुंछ, राजौरी, कारगिल और द्रास जैसे इलाके भी पाकिस्तान के कब्जे में थे। इन सारे हिस्सों को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से वापस जीता। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन किप्पर इजी और बैस्तन चलाए। इन सारे ऑपरेशंस का नेतृत्व करियप्पा खुद कर रहे थे। वो आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों को भी आजाद करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए केंद्र से आदेश ही नहीं मिला। करियप्पा 1947 के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और बाद में राष्ट्रपति बने। जनरल अयूब खान के बॉस रह चुके थे। अयूब खान इस बात को आजादी के बाद भी नहीं भूले थे। फील्ड मार्शल करियप्पा के बेटे केसी करियप्पा भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में उसका विमान पाकिस्तान में गिर गया था। जूनियर करियप्पा ने विमान से कूद कर अपनी जान बचाई थी। जब अयूब खान को पता चला कि करियप्पा का बेटा पाकिस्तानी कैद में है, तो वो खुद उनके बेटे से मिलने आया था। अयूब खान ने खुद करियप्पा को फोन कर उनके बेटे को छोड़े जाने का ऑफर दिया था। करियप्पा ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया और साफ शब्दों में कहा कि वो केवल मेरा बेटा नहीं है, वो भारत माँ का लाल है और उसके साथ भी बाकी के युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जाए। हालांकि युद्ध समाप्ति के बाद करियप्पा के बेटे को रिहा कर दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।